वेल, दामिनी ने सब कुछ हथियाने के बाद त्रिवेदी फैमिली को एक और मौका दे दिया है इस घर में रुकने के लिए। लेकिन उसकी एक शर्त है, वो इस घर में तो रह सकते हैं लेकिन राधा इस घर में नहीं रहेगी। तो ऐसा कहना है दामिनी का, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि राधा अपने परिवार को छोड़ के चली जाए। तो आपको क्या लगता है, क्या राधा जाएगी? वहीं दामिनी मोहन को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है और वो सब कुछ चीजें बताती है जो गरीबी में आने के बाद उसके परिवार के साथ बीत सकती है, जैसे कादंबरी की दवाई खत्म हो जाए और गुनगुन स्कूल कैसे जाएगी। वैसे एक चीज बताओ मेरे को, क्या गुनगुन स्कूल जाती है कभी? मेरे को तो नहीं लगता, पूरे दिन तो यहीं पड़ी रहती है। महीने में एक आध बार चली गई तो पता नहीं। वैसे मैंने एक बार दो बार देखा था बस, जब बॉम्ब ब्लास्ट वाला सीन चल रहा था बस के अंदर, बस तभी देखा था। तो भाई इनकी एक्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, एक्टिंग बहुत अच्छी करती है। लेकिन हर रोज स्कूल जाओ, गुरुकुल जाओ, आईएएस वाईएएस बनो, एक्टिंग वैक्टिंग तो बाद में भी होती रहेगी, सबसे पहले एजुकेशन। अगर आप इस चीज को मानते हो तो एक लाइक जरूर करना। और अब वापस से आते अपने टॉपिक के ऊपर और बात करते कि क्या मोहन अपने परिवार की खातिर राधा को सैक्रिफाइस करेगा, त्याग करेगा राधा का? वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन मोहन के पास ही आखिरी मौका अपने परिवार को बचाने के लिए। तो आगे देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा।